एक तो अदालत है, दूसरी बातचीत है, तीसरा संसद के अंदर कानून बना करके है। अब देखते हैं उसमें कौन सा हो सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमको बहुमत मिलता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो जैसे बहुमत हमको मिलेगा तो राज्यसभा में भी हमारा बहुमत होगा। तो जब राज्यसभा हमारा बहुमत होगा तो हम बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे और भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेने का मामला उठता हो। तो राज्यसभा में जब भी हमारा बहुमत हो जाएगा, लोकसभा में तो हमारा बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में भी बहुमत हमारा होना बहुत आवश्यक है। तो उसमें हम बहुत देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। काम भारत के करोड़ों लोगों के आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे, आस्था के केंद्र थे, आस्था हैं और रहेंगे। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, ये जन जन में लोगों को मालूम है। कब बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, ये समय बताएगा। लेकिन राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा?